स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एनपीओ में ओपनिंग बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रिपेयर करने का जो पर्पज है वो एक है, टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। यानी बिजनेस में कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, इस कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास आइटम्स कहाँ से आएंगे। क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा, नंबर वन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, नंबर टू अदर इंफॉर्मेशंस। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आपको क्या मिलेगा, देखिए रिसीट्स एंड ये बैलेंस शीट का परफॉर्मर है, वो आप सभी जानते हैं, लाइबिलिटीज एसेट्स। जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है उससे आपको जो मिलेंगी वो ओपनिंग बैलेंसेस मिलेंगे, किसके, कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट इफ एनी। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट हुई, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट, ये कहाँ से मिलेगा आपको, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड से, जहाँ लिखा होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाकी की जो एसेट्स हैं वो आपको अदर इंफॉर्मेशन में मिलेंगी, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है हमको अदर इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। उनमें गिवन होगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इस एनपीओ के पास क्लब है या कोई हॉस्पिटल है या कोई यूनिवर्सिटी है, इसके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी इसकी लाइबिलिटी हैं। तो हम पहले एसेट साइड की बात कर रहे हैं, तो एसेट्स में आपको क्या क्या मिल सकता है, फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, बुक्स। तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में जैसे फर्नीचर, व्हीकल्स एक्सेट्रा। और एक दो आइटम और आ सकती है, अदर इंफॉर्मेशन में क्या दिया हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एनी एक्रूअर्ड इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है, यहाँ बच्चे ध्यान दें सभी, आउटस्टैंडिंग टर्म आप जानते हैं लाइबिलिटीज के लिए यूज होता है, लेकिन इस चैप्टर में आउटस्टैंडिंग टर्म अगर सब्सक्रिप्शन से पहले यूज हो तो इसे एक्रूअर्ड इनकम मानो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए एसेट साइड में क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, ये तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेगा डेबिट साइड से। अदर इंफॉर्मेशन से आपको मिलेंगे फिक्स्ड एसेट्स और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक्रूअर्ड इनकम वगैरह। तो ये आपकी एसेट साइड कंप्लीट हो गई बेटा। नाउ कम टू द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड की आइटम्स कहाँ से मिलेंगी आपको, अदर इंफॉर्मेशन से मिलेंगी। देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, कुछ मेंबर्स अगर उसे एडवांस में पे कर दें तो हमारी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन। और क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान से देखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ से मिलेगा आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट मिलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड से सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो ये आपको मिलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स की पेमेंट साइड से, यानी क्रेडिट साइड से सबसे ऊपर बाय बैलेंस बीटी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपको अदर इंफॉर्मेशन में मिलेंगे, किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे। तो ये था एसेट्स और लाइबिलिटीज की आइटम्स जो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और अदर इंफॉर्मेशन से आइटम्स मिलेंगी, उसके बेस पर आप एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में उन आइटम्स को लिखोगे। अब हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले एसेट साइड का टोटल कीजिएगा। एसेट साइड का हमने टोटल किया, इसमें से लाइबिलिटी साइड की जितनी भी आइटम्स हैं जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनके टोटल को माइनस कीजिएगा, और माइनस करके जो आता है वो आएगा कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ दैट एनपीओ, यानी उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का साल के शुरू में कैपिटल फंड कितना है। और यही हमारा पर्पज था ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।